जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अनबॉक्स गैजेट चैनल पर स्वागत है। आज कैसी पाई की तरफ से दो फोन डिलीवर हुआ है मुझे, ये दो फोन। चलिए अनबॉक्स करके देखते हैं फोन की कंडीशन कैसा है। नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप सभी का सपोर्ट की बहुत जरूरत है चैनल को। अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेट मिलेगा। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए। ये है प्रॉपर रखने थोड़ा पैकिंग किया हुआ फोन। ये है बिल, दूसरे को भी अनबॉक्स कर लेते हैं। कैंची का धार भी कम गया। चलो भाई खुल भी जाओ। यह है दूसरा फोन, एक है नोकिया का 6 3 32 और एक है J6 सैमसंग का 4 64। यह है बिल, सकते हैं साइड में पहले फोन देख लेते हैं फोन का। यह है फोन, ये D- कैटेगरी का फोन है, टूटा है टच। दोनों ही फोन D- कैटेगरी का है। इसका कंडीशन तो कुछ ज्यादा ही खराब है। देखते हैं ऑन होता है कि नहीं। ये फोन ऑन नहीं हुआ। इस फोन को देखते हैं बाद में। यह है नोकिया का फोन, देख सकते हैं 1120 रुपये में मिला है ये फोन। ये सैमसंग का J6। ₹1650 में ऑन हो गया। ये फोन का टच टूटा है और कुछ नहीं। फोन में काफी ज्यादा स्क्रैच है। ये सिम ट्रे और दोनों सिम ट्रे अलग अलग कलर का है। सब कुछ देख लेते हैं। नोकिया का कंडीशन कुछ ज़्यादा ही खराब लगा मुझे। ये भी D- कैटेगरी का ही है। कैमरा देख लेते हैं। कैमरा ठीक है। टच देख लेते हैं एक बार। ठीक लगा मुझे, कोई भी ब्लैक। ये फ्रंट कैमरा चेक कर लेते हैं। फ्रंट कैमरा टस्ट है पूरा, देख सकते हैं पूरा ब्लर है। बैक कैमरा ठीक है, जैसे लिखा था ऐसा ही है।
ठीक है, साउंड एकदम ठीक है। हल्का सा स्किन में थोड़ा स्पॉट लग रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, फिंगरप्रिंट भी चेक कर लेते हैं। नोकिया फोन शायद ऑन नहीं होगा, तो चार्जिंग में डाल के देख लेंगे, देखते हैं कोई भी पैटर्न डाल देते हैं। फिंगरप्रिंट काम तो कर रहा है। इस फोन में अभी तक मुझे टच में कोई इशू नहीं लगा, टच पूरा वर्किंग है। डन। इसका डिस्प्ले कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है। फिंगरप्रिंट पूरा काम कर रहा है। इसका ऑलरेडी एक वीडियो है मेरे पास, पिछले बार भी मैंने ऑर्डर किया था इस फोन को, वो 332 था, वो डी कैटेगरी में था, ये डी माइनस कैटेगरी का है, फिर भी कंडीशन ठीक ठाक ही है, सिर्फ टच टूटा है और कुछ नहीं। वो 332 था, ये 464 है। फोन में एक बार सिम डाल के देख लेते हैं। फाइनली दोस्तों इसमें सिम लग चुका है, देख सकते हैं आ गया इधर। वो नोकिया भी चार्ज होने लगा, नोकिया फोन तो देख सकते हैं। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि डी माइनस कैटेगरी का फोन मत लीजिए, अगर लेना ही होगा तो सैमसंग का फोन लीजिए, किसी भी कैटेगरी का सैमसंग का फोन लीजिए, थोड़ा बहुत सही रहेगा। लेकिन दूसरा किसी ब्रांड में ब्रांड का फोन एकदम कंडीशन घटिया रहता है, वो भी डी माइनस का, ये भी डी माइनस का है। इसका कंडीशन देख सकते हैं, और उसका तो एकदम धच्चिया उड़ गया है फोन। देख लेते हैं कनेक्टिविटी। फोन आ चुका है, पूरा वर्क कर रहा है, और नेट भी चेक कर लेते हैं। नेटवर्क भी सही है, कोई इशू नहीं है नेटवर्क में, पूरा एकदम वर्किंग कंडीशन में फ़ोन है, सिर्फ टच टूटा है और कुछ भी इशू नहीं आया अभी तक। और स्क्रीन का थोड़ा लूज पैनल है, देख सकते हैं अंदर का लाइट भी दिख रहा है, एलईडी लाइट, पैनल लूज है थोड़ा। फ़ोन मुझे सही लगा, प्राइस के अकॉर्डिंग 1600 में ठीक ही है। 464 का, 464 रैम रोम है, सब कुछ सही है फ़ोन का, सिर्फ टच टूटा है और लूज पैनल है। ये फ़ोन तो अभी चार्ज हो रहा है, देखते हैं ऑन हो रहा है कि नहीं। फ़ोन तो ऑन हो चुका है, ये फ़ोन मेरा तो बिक जाएगा, लेकिन ये वाला थोड़ा बनाना पड़ेगा मेरे को, देखते हैं अगर रिटर्न होता तो रिटर्न कर देंगे, देख लेते हैं कैसे भाई से बात कर गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं फिर एक नया वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।